मध्य प्रदेश में ऊंची जाति और नीची जाति का एग्जाम्पल सेट कर दिया गया आज 2023 में भी। लोगों ने बता दिया कि ना यादव ऊंची जाति होता है और बाकी जितने डोम चमार लोहार धोबी बने मतलब ये जितने जाति हैं वो नीची जाति हैं और आज भी सिस्टम में रहना होगा। जानते हैं ये मामला है मध्य प्रदेश का। होता यहाँ ये है कि शादी के एक दिन पहले या फिर जो भी रस्म होता है उसके लिए देवता पूज्य होने जाता है। हम लोग यहाँ नहीं होता है देवता पूजने जाते हैं, उस तरीके से एक दलित परिवार में लड़के की शादी थी और देवता पूज्य में सब लोग जा रहे थे, लेकिन लड़का का ख्वाहिश था कि नहीं हम घोड़ी पे ही जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े घरों के लोगों को देखते हैं घोड़ी पे जाता है तो वो बड़ा प्यारा लगता है। तो मतलब अनुसूचित जाति या फिर कह सकते हैं निचली जाति में जन्मे इस लड़के को भी यही इच्छा होती है कि हम भी जो शादी करने जाएंगे वो घोड़ी पे ही बैठ के जाएंगे। और घोड़ी को मंगाया जाता है, लड़के को बिठाया जाता है और जैसे ही वो यादव लोगों के घर के तरफ से निकलने लगते हैं जम के, जी हाँ दोस्तों बहुत जम के पथराव होता है और लड़का को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। परिवार के लोग उसी तरीके से घोड़ी को लेके घर पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसी में से एक व्यक्ति जो है वो कोर्ट मतलब पुलिस के पास जाता है कोर्ट के शरण में और बताता है कि हमारे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम है। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच जाती है और वहां का मजरा क्या होता है आप इस वीडियो में देखिए। जैसा बोलेगा, जहां से बोलेगा, जिस रास्ते से बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, उसको स्वतंत्रता है, वो जहां से चाहे वहां से अपनी राज निकलवा सकता है। नीचे दोस्तों कमेंट में बताइए कि 2023 में भी इस तरीके का हरकत करना क्या सही है, इस तरीके से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताइए मध्य प्रदेश के इस घटना के बारे में, ताकि लोग अवेयर हो सके।